भोजपुरी सुपरस्टार एक्ट्रेस रानी चटर्जी मरते मरते बची। जी हाँ, हर एक की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई वाकया ज़रूर होता है जब उसका सामना मौत से होता है या मौत के बहुत करीब जाकर वापस आने से होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ भोजपुरी की एक्ट्रेस रानी चटर्जी के साथ। और जी हाँ, इसका खुलासा खुद रानी ने किया है और वो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से। रानी चटर्जी ने हाल ही में एक फ़्लाइट पकड़ी थी और उन्हें दिल्ली लैंड करना था। जैसे ही वो फ्लाइट टेक ऑफ हुई और दिल्ली पहुँचते ही उसे लैंड करना था, तकरीबन एक घंटे तक दिल्ली के इर्द गिर्द ही वो हवाई जहाज घूमता रहा और उसमें बैठे सभी यात्री घबराने लगे। मौत को अपने इतने करीब देख हर कोई चिल्लाने लगा। रानी चटर्जी भी रोने लगी। उनका कहना है वो मौत देखकर नहीं रोई, लेकिन अपने परिजनों को याद कर उन्हें खूब रोना आ रहा था। ये सोचकर कि क्या अब वो वाकई में अपने परिवार से दोबारा नहीं मिल पाएंगे, क्या ये उनकी लाइफ के वो क्षण है जो इसके बाद वो जीवन को नहीं देख पाएंगी। और ऐसे ही पलों में उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन कितना कीमती है। सकुशल दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर गया और उसके बाद सकुशल लैंडिंग के लिए सभी यात्रियों ने पायलट के लिए जोरदार तालियां बजाई, क्योंकि ये पायलट का ही कमाल था कि विमान में गड़बड़ी के चलते भी वो उसने सकुशल लैंडिंग की। और सोने पे सुहागा ये हुआ, विमान चलाने वाला पायलट कोई और नहीं, एक लेडी थी। जी हाँ, इन सभी यात्रियों की जान एक लेडी पायलट ने बचाई, ये किसी गर्व से कम नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और चटपटी गॉसिप के लिए आप हमारे चैनल स्पेशल भोजपुरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।